अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप लोगों को कम बजट के अंदर ऐसे वायरलेस एयरफोन्स चाहिए जिनका डिज़ाइन यूनिक लुकिंग हो, साइज पॉकेट फ्रेंडली हो, साउंड क्वालिटी कफ्ता कमाल की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को कम बजट के अंदर एक साल की वारंटी भी मिले, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ये आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। आज हम लोग चैनल के ऊपर डेनी एयरडॉट्स 100 को कवर करने वाले हैं। इनकी जितनी भी टेस्टिंग है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है, सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोग लाजमी तौर पर पूछ लीजिए। और इसको बाय करने का जो लिंक है जो आप लोगों को बेस्ट प्राइस मिलने वाली है, अभी इनके ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर इसको बाय कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बॉक्स की, तो फ्रंट के ऊपर एयरफोन्स बने हुए हैं और बॉक्स के ऑल अराउंड इसके जितने भी मेन हाइलाइटिंग फीचर्स हैं उनको मेंशन किया गया, जिनके बारे में आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जो पैकिंग की गई है वो काफी ज्यादा डिसेंट की गई है। अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर ये चीज मेंशन की गई है कि आप लोग इस प्रोडक्ट की वारंटी को तीन डिफरेंट तरीकों के साथ चेक कर सकते हो, लाइक आप लोग ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग ने मैसेज करके चेक करनी है तो आप लोग उसके थ्रू भी कर सकोगे। इसके अलावा यूजर मैनुअल प्रोवाइड किया गया। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट टच कंट्रोल्स मिलते हैं, कौन सा टच कंट्रोल किस तरह काम करता है सारे के सारे कंट्रोल्स आप लोगों को यहां पर लिखे नजर आ जाएंगे, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा फीचर बुक प्रोवाइड की गई है जिसके ऊपर इसके जो मेन हाइलाइटिंग फीचर्स है उनको हाईलाइट किया गया, और फाइनली हमें मिल जाती है हमारी चार्जिंग की केबल। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया गया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का जो मेन एक हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसका डिजाइन और इसका साइज। इसके अंदर हमें एक डिफरेंट लुकिंग यूनिक डिजाइन प्रोवाइड किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी डिफरेंट टाइप का डिजाइन है। अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को पब्लिकली यूज करोगे तो डेफिनेटली जो लोगों की अटेंशन है वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। इसके अलावा इसका जो स्मॉलर साइज है इसके आपको दो फायदे मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे एयरफोन है जब आप लोग इनको कानों के अंदर पहनोगे तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगे क्योंकि इनके अंदर ज्यादा वेट नहीं है, और इसके अलावा इन एयरफोन्स का जो केस है ना वो भी काफी ज्यादा छोटा है, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप लोगों ने जब इनको पॉकेट के अंदर डालना तो आपको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आप लोग इजीली कैरी कर सकते हो। और प्लस इन एयरफोन्स के अंदर हमें IPX5 की रेटिंग भी मिल जाती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इनको नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो ये थोड़े बहुत गीले भी हो जाते हैं, पसीना वगैरह भी आता है, तो वहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो वाटर की रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट आती है ना वहां पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी ज्यादा डिसेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर चार्जिंग की पोर्ट है जो कि गोल्डन कलर की है, जो कि काफी अच्छा एलिमेंट है, और प्लस इसके अंदर में चार्जिंग का इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया गया। जब आप लोग इसके केस को चार्जिंग के ऊपर लगाओगे तो ये इंडिकेट करेगी लाइट की आपकी जो प्रोडक्ट है वो चार्ज हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.0 प्रोवाइड किया गया है जो कि 10 मीटर की रेंज के साथ आता है। जब आप लोग एक दफा इसको अपने मोबाइल के साथ पेयर कर लोगे उसके बाद जैसे ही आप लोग इस एयरफोन को अपने केस से बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएंगे, जो कनेक्शन है वो भी काफी ज्यादा सीमलेस है। अब ये जो डिजाइन का मामला है ना, बिल्ड क्वालिटी का मामला या फिर जो कनेक्शन का मामला, ये सेकेंडरी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी वायरलेस एयरफोन्स के अंदर वो होती है साउंड क्वालिटी। इनके अंदर में 13 मिलीमीटर के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए। अगर हम लोग कंपटीशन के अंदर देखते हैं तो नॉर्मली 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल रहे होते हैं। जितना बड़ा आपका ड्राइवर होगा उतनी ज्यादा आपको लाउड क्वालिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब इन एयरफोन्स की साउंड को जितना मैंने टेस्ट किया आप लोगों को मैं वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकते कि भाई इस किस्म की साउंड क्वालिटी है। प्राइस के हिसाब से जो साउंड क्वालिटी वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता रहता हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो प्राइस है ना उस लिहाज से साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोगों को क्लियर साउंड आ रही होती है और आप लोग बेस को भी फील कर सकते हो, बेस भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही होती है। इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह बज रहे होते हैं किसी भी म्यूजिक के अंदर वो सारे क्लियरली तौर पर सुनाई दे रहे होते हैं, कोई मफल टाइप की साउंड नहीं आती, तो प्राइस के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी आप लोगों को पसंद आने वाली है। इसके अगर हम लोग माइक्स की बात करते हैं तो माइक्स को भी मैंने टेस्ट किया, कॉल वगैरह करके देखा है, जो माइक्स की क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा डिसेंट है। अगर आप लोग इनको पहनकर जूम वगैरह की मीटिंग करते हो या फिर ओवरऑल भी कॉल्स को करते हो तो एक्सपीरियंस आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल माइक्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो जो बैटरी है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। इनके अंदर आप लोगों को काफी अच्छा बैकअप मिल जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग 4 घंटे के अराउंड जो है ना प्ले बैक का टाइम ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी वॉल्यूम के ऊपर सुनते हो, क्योंकि अगर आप लोग मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर किसी भी स्पीकर को सुनते हो या फिर किसी भी वायरलेस एयरफोन्स को सुनते हो तो बैटरी की टाइमिंग उसी लिहाज से होती है। इनके अंदर आप लोगों को तकरीबन 4 आवर्स का जो प्ले बैक का टाइम है वो डेफिनेटली मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर हम लोग केस की टाइमिंग को साथ में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप लोगों को तकरीबन 30 आवर्स का जो टोटल प्ले बैक का टाइम है वो मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डिसेंट बैटरी की वैल्यू बन जाती है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइस की, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस वो है 5000, लेकिन इस वक्त 50% के करीब डिस्काउंट चल रहा है। अभी आप लोगों ने अगर इस प्रोडक्ट को बाय करना तो आप लोगों को बेस्ट प्राइस मिल जाएगी, जो कि है 2499, मतलब कि 2500 रुपए की ये प्राइस है। और अगर मैं अपनी फाइनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो यार प्राइस के लिहाज से इस प्रोडक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजाइन है और
जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, माइक्स की क्वालिटी भी डिसेंट है, बैटरी की टाइमिंग भी अच्छी है। आप लोगों को अगर ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हो। और इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉपीज चल रही होती हैं, किसी किस्म का कोई भी बैकअप नहीं होता, वारंटी वगैरह नहीं मिल रही होती। इसके अंदर आप लोगों को वन ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल रही है, और आपको पता है कि भाई डैनी जो है काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो आप लोगों को प्रॉपर बैकअप भी मिल जाएगा। मेरी तरफ से ये वाली प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, नीचे मैंने लिंक अटैच किया हुआ, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर इसको बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन इस प्रोडक्ट के बारे में तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों को ये वाली प्रोडक्ट कैसी लगी, आप लोग अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।